So, hello friends, a warm welcome to our channel TechMythBusters. So, दोस्तों आप एक दिन में आपके मोबाइल को कितने बार चार्जिंग को लगाते हैं? एक बार, दो बार या फिर बार बार? लेकिन क्या हो अगर आपके मोबाइल की बैटरी उससे भी ज़्यादा 8 गुना तक ज़्यादा पावर की हो तब? इसके लिए आपके मोबाइल की साधारण लिथियम आयन बैटरी से काम नहीं चलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स ने डेवलप की है फ्लूराइड बैटरीज। यह बैटरीज क्या होती है, कैसे काम करती है और अपने अंदर कितना ज़्यादा चार्ज लेने में सक्षम है और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों फ्लूराइड टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरीज यह बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटीज की होती है और इसकी वजह से यह अपने अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज को स्टोर कर पाती है और रिसर्चर्स के अनुमान के मुताबिक यह बैटरीज लगभग 8 गुना तक ज़्यादा चल सकती है हमारी नॉर्मल लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में। दोस्तों बैटरीज कैसे वर्क करती है यह तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि बैटरीज एटम्स को एक टाइप का पुश प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वे चार्ज हो जाए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाए। लिथियम बैटरीज लिथियम आयन पर वर्क करती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और फ्लूराइड बैटरीज में फ्लूराइड आयन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिथियम आयन्स को ही हम कैशंस कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज फ्लूराइड आयन्स को ही हम एनियंस कहते हैं। अगर आपको एक ऐसी बैटरी चाहिए जो कि ज़्यादा देर तक चले तब आपको मूविंग चार्ज भी ज़्यादा चाहिए होगा और बहुत ज़्यादा मूविंग चार्ज आपको कैशन से मिलना मुश्किल है, यानी कि आपकी नॉर्मल लिथियम आयन बैटरीज इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं होती कि वे इतना ज़्यादा चार्ज एक साथ मूव कर सके। लेकिन एनियन इतने कैपेबल होते हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल एनियन भी बहुत ज़्यादा चार्ज को कैरी कर सकता है। फ्लूराइड बैटरीज के दुनिया का अब तक का ऐसा इन्वेंशन है जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वोल्टेज को झेल सकता है और अब इसी बात को साइंटिफिकली प्रूव भी कर दिया गया है, जिसके वजह से अब ग्रेफाइट बैटरीज के साथ साथ ही अब इसके कमर्शियली लॉन्च होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का है कि फ्लूराइड बहुत ज़्यादा करोसिव है और यह बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसे आने में अभी थोड़ा वक्त है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेक मी फर्स्ट एंड बी स्मार्ट एंड बी अवेयर।